कोरोना वायरस से छिड़ी जंग में जहां भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और रणनीति की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, तो वहीं भारत अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जैसे विश्व स्तरीय सर्वोच्च स्वास्थ्य संगठन का नेतृत्व अगले महीने संभालेगा। यानी कि अगले महीने भारत WHO में बतौर लीडर अहम भूमिका निभाएगा। सूत्रों की माने तो इस बात पर ठप्पा दिल्ली और जिनेवा के राजनयिकों ने लगाते हुए बताया है कि 22 मई को भारत WHO के सम्मेलन के बाद होने वाली कार्यकारी बोर्ड की पहली बैठक में अहम पद ग्रहण करेगा। भारत इस दौरान जापान की जगह लेगा, जो मई में इस पद पर अपना एक साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा। WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के बतौर उम्मीदवारी की नियुक्ति उस वक्त सामने आई है जब संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जूझ रही है। कातिल कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में कुल 180,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 26,00,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इस कोरोना की वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। इससे पहले भी WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने सर्वसम्मति से पिछले साल संगठन के कार्यकारी बोर्ड में भारत को 3 साल का कार्यकाल देने पर सर्वसम्मति से सहमति जताई थी। फिर WHO के दक्षिण पूर्व एशिया समूह ने क्षेत्रीय समूहों के बीच एक वर्ष तक रोटेशन के माध्यम से भी चेयरपर्सन के पद के लिए भारत को नामांकित किया था। लेकिन अब जब चीन के वुहान से निकला कोरोना दुनिया भर में तेजी से फैल गया है, तब ऐसे में अब ये निर्णय लिया गया। WHO सभा के उद्घाटन सत्र के बाद महानिदेशक टेड्रोस का स्पीच होगा, जो कोरोना से लड़ने की तैयारियों पर केंद्रित होगा। और फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि इस सभा में औपचारिक रूप से भारत के साथ साथ कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों और अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस सर्वोच्च संगठन की ड्राइविंग सीट पर ही नहीं बल्कि प्रोग्राम और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के सदस्य के रूप में भी भारत के प्रतिनिधि इंडोनेशिया की जगह नामित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।